प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई विधायक पानी के नाम पर गंदी राजनीति कर रहे हैं। सेक्टर 4 में पानी टंकी गिर जाने के बाद पर वहां अपनी फोटो लगाकर अपने लोगों के यहां पानी पहुंचाकर विधायक श्रेय लेने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें इतना ही लोगों की फिक्र थी तो जब 225 किलोमीटर की दो दो यात्राएं निकाली तब क्या टंकी की जर्जर हालत नहीं दिखी? तब इस पर कोई पहल करने का विचार क्यों नहीं आया? केवल मलबे के ऊपर खड़े फोटो खिंचाने और फिर दूसरों के काम का श्रेय लेना ही उनका एकमात्र कार्य है। पत्रकार वार्ता में उन्होंने आगे कहा कि विधायक श्रेय लेने में इतने माहिर है कि बीएसपी प्रबंधन टाउनशिप में पानी पहुंचाने के लिए स्टैंड बाय के तौर पर जो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है उसका भी श्रेय स्वयं लेने में पीछे नहीं रहे। पहले विधायक बीएसपी पर आरोप लगाते हैं, फिर बीएसपी के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करते हैं। इस परियोजना में राज्य शासन वर्किंग एजेंसी है। विधायक अब इस 336 करोड़ की परियोजना का श्रेय लेकर कह रहे हैं कि लोगों को गंदा पानी अब नहीं पीना पड़ेगा, जबकि पेयजल से वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं है। मीडिया के समकक्ष उन्होंने प्रतिक्रिया दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्थायी व्यवस्था के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से पाइपलाइन को बदलना होगा। इसकी शुरुआत सेक्टर 6 व सेक्टर 2 में की गई थी, लेकिन वह काम रुक गया। अब टंकी गिर चुकी है। विधायक और महापौर पर आरोप लगाया कि कोई व्यवस्था वह नहीं कर पाए। पूर्व मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विधायक ने अब तक क्यों नहीं देखा जर्जर टंकी को। यात्रा निकाल रहे थे लेकिन उनकी नज़र में टंकी नहीं आई। प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी और विधायक के रिश्ते पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा बगैर एनओसी के सारे काम टाउनशिप में किए जा रहे हैं। सोमवार को होने वाले कार्य में डायरेक्टर इंचार्ज बैठेंगे। लीज डिड रजिस्ट्रेशन पर कहा कि विधायक और मेयर ने पहले भी झूठ बोला, लोगों को गुमराह किया। प्रबंधन से अंदरूनी साठगांठ है। रजिस्ट्रेशन से बीएसपी का हाथ ज्यादा मजबूत हो रहा है। पानी टंकी गिरने के बाद डायरेक्टर इंचार्ज से फोन पर बात हुई। सुझाव दिया कि दोनों टाइम पानी दिया जाए। हम जब रहते हैं तो दोनों टाइम पानी आ जाता है। प्रबंधन और प्रशासन से काम कराने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की होती है। एक समन्वय बनाकर काम कराना होगा। देखिए, भिलाई के विधायक के द्वारा ये लगातार तीसरा झूठ बोला गया। पहला झूठ कि CSPDCL के बगैर ट्रांसफ़र किए हुए बिजली बिल हाफ नहीं हो सकता, लेकिन चुनाव आते ही सितंबर और अक्टूबर के लिए बिजली बिल हाफ की घोषणा हो गई। दूसरा झूठ, जो लीजधारी थे उनके लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा, ये कहा गया कि नहीं, अब आपका मालिकाना हक हो गया, टाइटल मिल गया। तीसरा झूठ आज फिर बोला गया है कि ये जो 336 करोड़ रुपए का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट और बीएसपी का जो प्रोजेक्ट है, जो बीएसपी ने अपने स्टैंड बाई के लिए एक योजना बनाई है कि जब खरखरा और गंगरेल का पानी किसी भी कारण से बाधित हो तो उनका वाटर सप्लाई सिस्टम चलता रहे। प्लांट में लगभग 90-95% जो काम है उनका कूलिंग सिस्टम, उसमें उसके लिए हो और वाटर सप्लाई बाधित ना हो, तो वो स्टैंड बाई है। फिर बोल दिया अब ये स्थाई हल हो गया। स्थाई हल तो तब होगा अगर मान लो अगर शिवदात में गंदा पानी आ गया तो गंदा पानी यहाँ भी आएगा। खरखरा और वहाँ का पानी गंदा आएगा तो गंदा होगा। तो उन्होंने ट्रीटमेंट प्लांट बनाया है बीएसपी वालों ने, और उससे जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो है, लेकिन ये गुमराह करना कि इसके लिए इन्होंने किया, जबकि इसका पूरा पैसा भिलाई इस्पात संयंत्र दे रहा है, 100 करोड़ एडवांस में दे चुका है, और जो भी होगा सिर्फ वर्किंग एजेंसी जो है वो राज्य सरकार है, अपने बाजू में बैठ कर फोटो खिंचाना। ऐसे ही झूठ ये लगातार हर कामों का बोलते आए हैं। जो कुर्सी पार में इंडोर स्टेडियम बन रहा है वो हुडको में बनना था, 3 करोड़ रुपये से वहाँ भूमि पूजन हो गया था, 3 करोड़ रुपया आ गया, उसको वहाँ से शिफ्ट करके कुर्सी पार ले गए, वो भी भाजपा का है। जितने गार्डन का इन्होंने उद्घाटन मुख्यमंत्री से कराया, सेक्टर 1 का, बापू नगर का, इवन देन सेक्टर 5 का भी ठीक है कंप्लीशन हुआ तुमने, लेकिन वो भी भाजपा का है। एक भी नया काम जो उनके द्वारा सोचा गया हो उसको क्रियान्वित करके 5 साल में नहीं किया।
अगर जिस दिन हुडको का स्टेडियम वे उद्घाटित कर लेंगे तो माना जाएगा कि एक वो उनकी सोच का कल्पना का काम है जो उन्होंने बनाया है। हालांकि वहां के लोग नहीं चाहते, फिर भी बनाया जबरदस्ती बीएसपी के बगैर एनओसी के। बीएसपी से इनकी सांठगांठ है ताकि बिना एनओसी के भी बनाते हैं। बीएसपी वाले कुछ नहीं करते, बीएसपी वालों से नोटिस दिलवाते हैं, फिर अपने घर बुलवाते हैं, फिर उसको वापस करवा देते हैं। अभी फिर एक षड्यंत्र चल रहा है कि पूरे खटाल वालों के खिलाफ एक मुहिम चलेगा। आज कलेक्टर का फरमान है, कमिश्नर का है कि जो लोग नहीं गए हैं उनको भगाओ। लोग भगाने जाएंगे, नोटिस देंगे और वो दौड़ के विधायक जी के पास जाएंगे और विधायक जी फिर फोन करेंगे, फिर वो छूट जाएगा। ये जो खेल है कि पहले क्रिएट द प्रॉब्लम, फिर सॉल्व नहीं, सॉल्व करते हुए दिखो। आधार कार्ड लिया जा रहा है, फोटो तो लगा के दे ही रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड जो है मांगना सबसे बड़ा जुर्म है। मैं समझता हूँ किसी से आधार कार्ड नहीं मांगना चाहिए, लेकिन इन लोगों का ट्रेंड बना है। पिछले पार्षद चुनाव के पहले भी जब गंदा पानी आ रहा था तो ये बांट रहे थे, कुछ बंटवा रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, उसमें भी आधार कार्ड ले रहे थे। अब आधार कार्ड क्यों चाहिए? तो वोट के लिए, कि पानी दे के वोट चाहिए।